देश में फर्जी गोरक्षकों की गुंडागर्दी लगातार जारी है। गाय की रक्षा के नाम पर कथित गोरक्षक जिसे चाहे उसे अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला झारखंड के गिरिडीह का है, जहां एक शख्स के घर के बाहर कथित तौर पर गाय का शव मिलने से हालात बेकाबू हो गए। गुस्साए लोगों ने आरोपी शख्स के साथ मारपीट की और उसके घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक देवरी इलाके के बेरिया गांव के रहने वाले उस्मान अंसारी के घर के बाहर मंगलवार को लोगों ने गाय का शव देखा। यह खबर फैलते ही उस्मान के घर के बाहर बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई। नाराज लोगों ने उस्मान अंसारी की जमकर पिटाई की, जिससे वो अधमरा हो गया। बाद में भीड़ ने उसके घर में आग भी लगा दी। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के हत्थे चढ़े उस्मान अंसारी और उसके परिवार को बचाया। जब पुलिस ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो भीड़ ने उसका विरोध किया। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई। जैसे तैसे अंसारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए धनबाद रेफर किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में दो लोगों के घायल होने की भी खबर है, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही तनावपूर्ण हालात देखते हुए इलाके में एहतियातन भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ऊना में दलितों की पिटाई, फिर पहलू खान का मामला और उसके बाद न जाने कितने ही ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां कथित गोरक्षक खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और बिना किसी डर के वारदात को अंजाम भी देते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर किसने उन्हें कानून हाथ में लेने का अधिकार दिया है? क्या सरकार को इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? देखते रहिए डीबी लाइव।